जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर जन उतरहि पारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या करती है आह्वान ठाट से कर मंदिर निर्माण। सजग हो रघुवर की संतान ठाट से कर मंदिर निर्माण। जय श्री राम। समस्त धर्मानुरागी और धर्मावलंबी परिवारों को और समस्त देशवासियों को राम जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर निर्माण की, उसके उद्घाटन की, प्राण प्रतिष्ठा की और रामलला के वहाँ विराजमान होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय जय श्री राम, हमारे प्यारे राम। मित्रों, आज बहुत अच्छी शुभ घड़ी है और आज मैं आपको इस राम मंदिर के बारे में, रामलला की मूर्ति के बारे में और इस भव्यता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रामायण के अनुसार श्री रामचंद्र जी रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ और अयोध्या में ये भव्य मंदिर बन रहा है। मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को किया गया। मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को हो रही है। मंदिर का निर्माण कार्य लार्सन टुब्रो को दिया गया और वास्तुकार है चंद्रकांता बी सोमपुरा। इस मंदिर में बहुत अद्भुत कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस मंदिर को बहुत भव्य के साथ साथ बहुत अद्भुत भी बनाया गया है। मंदिरों की तीन तरह की निर्माण शैली होती है, द्रविड़, वैसर और नागर। अयोध्या राम मंदिर नागर शैली में बना है और मंदिर परिसर में सीता कुंड है, 5 मंडप है, 392 खंभे और 44 द्वार हैं। चारों कोने सूर्यदेव, माँ भगवती, श्री गणेश और शिव शंकर भोलेनाथ को समर्पित हैं। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का वास है, उनका मंदिर है और इसकी ऊंचाई 161 फीट है। और अब बात करते हैं भगवान श्री रामलला की मूर्ति की। ये भी बहुत अद्भुत है अपने आप में। बाल स्वरूप है और बहुत ही सुंदर है। ये देखिए कितनी सुंदर है। इसकी कुछ विशेषता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मूर्ति शालग्राम पत्थर से बनाई गई है और कर्नाटक के बहुत बड़े मूर्तिकार अरुण योगराज ने इसे तैयार किया है। इसे इस तरह से बनाया है कि इस एक मूर्ति में भी कई प्रतिमाएं, कई मूर्तियां और कई आकृतियां दिखाई देती हैं। भक्तों को अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अनावरण से पहले मूर्ति के चेहरे और हाथों को पीले वस्त्र से ढका गया है और शरीर पर सफ़ेद वस्त्र भी लगाया गया है। और इस मूर्ति में कई प्रतिमाएँ हैं। शालिग्राम की इस मूर्ति में कई तरह के और भी सुंदर आकृतियाँ दिखाई देती है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों की मूर्ति और प्रतिमाएं भी उकेरी गई हैं। मस्तक की ओर स्वास्तिक, सूर्य, चक्र, गदा और ओमकार ओम उकेरा गया है। और प्रतिमा में विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव को भी बनाया गया है, उसे भी उकेरा गया है। इसी प्रतिमा में राम भक्त परम प्रिय हनुमान जी की मूर्ति भी उकेरी गई है। ये प्रतिमा लगभग 4.25 फीट ऊंची है, 200 किलोग्राम इसका वजन है और 3 फीट चौड़ाई है। ये प्रतिमा भगवान राम के 5 वर्ष की उम्र का प्रतिबिंब बनाया गया है। भगवान राम जब 5 वर्ष के थे, उनका बाल्य रूप, उनकी शैशव रूप को दिखाया गया है इसमें। और ये इतना सुंदर सा इनका चेहरा और इतना सुंदर इस प्रतिमा का रूप बनाया गया है और ये पत्थर से बने हुए कमल पर विराजमान है, उस पर ये खड़े हैं। और जब ये
प्रतिमा विराजित हो जाएगी, जब स्थापित हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद भी इस कमल के ऊपर खड़े हुए ये नन्हे श्री राम बाल्य रूप में ही भक्तों को आशीर्वाद देते रहेंगे। अयोध्या नगरी में रंग बिखेरा जा रहा है। अयोध्या नगरी की दीवारें कई रंगों से, कई चित्रों से, कई सुंदर आकृतियों से सजाई जा रही है। राज्य के लगभग 40 कलाकार कई जगह पर वॉल पेंटिंग बना रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बनाया गया है, वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसमें CRPF की जो दीवार है उस पर, सिंचाई विभाग की दीवार पर, कलेक्ट्रेट की दीवार पर 1500-2000 फीट तक अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ, आकृतियाँ और वॉल पेंटिंग की जा रही है। और इसी तरह से 22 जनवरी को अयोध्या नगरी हमारा भारत का गौरव बनने जा रही है और रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हर तरफ जय श्री राम, हमारे प्यारे राम। बस इन्हीं के बारे में बात होगी, यही मन में होंगे, यही तन में होंगे, यही पूरे देश वर्ष में होंगे, भारत वर्ष में होंगे। तो इसी जानकारी के साथ मुझे लगा कि आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से यही कहता हूँ कि जय श्री राम, हमारे प्यारे राम आप सबके हृदय में, हम सबके मन मस्तिष्क में, हमारे जीवन में बने रहें और उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। इस भव्य आयोजन की, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की, उद्घाटन की और अयोध्या में राम मंदिर और रामलला के विराजमान होने की, इस हर्षोल्लास के उत्सव की सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हमारे प्यारे राम और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं।